प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा फिल्म पठान के विरोध में गिरिडीह के तमाम सिनेमाघरों में ज्ञापन देकर फिल्म प्रदर्शित नहीं करने की अपील की गई। साथ ही गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा को भी आवेदन देकर जिले में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। मौके पर विहिप सदस्यों ने कहा कि फिल्म में जिस प्रकार भगवा रंग का अपमान किया गया है, उससे लोगों की भावना आहत हुई है। भगवा रंग सनातन धर्म, सिख, जैन, बौद्ध, साधु संत, महात्मा के त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा का प्रतीक है। उगते हुए सूर्य की लालिमा भी भगवा रंग सनातनियों की पहचान है, जिसे कुछ फिल्में बनाने वालों के द्वारा षड्यंत्र कर ऐसे हथकंडे अपनाकर फिल्मों को प्रचार कर पैसे कमाने का तरीका अपना लिया है, जिसका विरोध सभी सनातनियों को करना जरूरी है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गिरिडीह के तमाम नागरिकों से अपील करती है की फिल्म पठान का पूर्ण बहिष्कार करें। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बजरंग दल के जिला संयोजक रितेश पांडे, जिला सह संयोजक सुरेश रजक, भारतीय गौवंश परिषद प्रमुख रविशंकर पांडे, जिला गौ रक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, नगर सह संयोजक गौरव कुमार, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता, पंकज कंधवे आदि लोग उपस्थित रहे। जय श्री राम। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा गिरिडीह जिला में भी पठान मूवी का विरोध किया गया और गिरिडीह में सभी हॉलों में आवेदन देते हुए और आग्रह भी करते हुए ताकि गिरिडीह जिला में यह फिल्म ना लगे, क्योंकि इसमें कुछ दृश्य इस तरह का है, बोल है, भगवा अपमान का विषय पर आता है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पठान मूवी का पुरजोर विरोध करती है और कुछ राजनेता का बजरंग दल को गुंडा कहने का टिप्पणी देखने को और सुनने को मिला हम लोग को मीडिया के माध्यम से। तो आग्रह हुआ, हम लोग गुंडा नहीं है श्रीमान, दायरे में रहकर बोला जाए। जय श्री राम। विचित्र मानसिकता का परिचय देते हुए फिल्म पठान के कलाकारों द्वारा जिस प्रकार भगवा रंग का अपमान किया गया है, उसके लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गिरिडीह के सभी सिनेमाघरों में इस मूवी को, इस फिल्म को नहीं लगाने के लिए अपील करने हेतु एक ज्ञापन सभी सिनेमाघरों में दिया गया है। साथ ही उपायुक्त द्वारा एक ज्ञापन दे करके ये अपील किया गया है कि गिरिडीह जिले में इस फिल्म को प्रदर्शित न होने दें, जिसकी ताकि गिरिडीह के तमाम सनातनियों के भावना को आहत न पहुंचे। जय श्री राम। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।